आपने भी देखा होगा पिछले कुछ महीनों में सालों में बहुत सारे लोग ऑनट्रोप्रिनशिप करना चाहते हैं तो दो चीज़ें दोस्तों सिर्फ दो चीज़ें आपको करनी है अगर ये दो चीजें आपको आती हैं बिल्ड करना आता है सेल करना आता है आप ऑन्टोप्रेन्योर बन गए क्या है मैं बहुत कॉलेजेस में भी जाता हूँ बहुत यंगस्टर्स से बात होती है और उनका एक सवाल रहता है सर शुरू कहाँ से करें नथिंग किल्स अ बैड प्रोडक्ट फास्टर देन गुड मार्केटिंग आई एग्री नमस्ते दोस्तों वेलकम टू सक्सेस की पाठशाला थैंक्स फॉर लाइकिंग शेयरिंग एंड शेयरिंग योर फीडबैक्स ऑन 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 दी दी वीडियोस आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है आज टॉपिक है विनीत की आपने भी देखा होगा पिछले कुछ महीनों में सालों में बहुत सारे लोग ऑनट्रोप्रीन्योरशिप करना चाहते हैं देर इज अ बग कॉल्ड ऑनट्रोप्रेन्योरशिप जो हम सबको काट गया है कांटा लगा रहे एकदम ऑनट्रोप्रीनियोरशिप का करेक्ट क्या करना है ऑनट्रप्रन्य बनने के लिए आर दी टू थिंग्स जस्ट टू थिंग्स कुछ नहीं कोई प्लेथोर ऑफ थिंग्स नहीं hmm. कोई दस चीजें नहीं hmm. दो चीजें चाहिए मुझे जिससे मैं ऑन्ट्रप्रनियर बन सकू वो so, दो, दो चीजों पर बात करनी है आज हमें तो वो तो दो चीजें क्या है बता दें पहले <laughs> <laughs> सबसे पहले खुलासा वो करें या वो अंत में होगा बता देते हैं बता देते हैं फिर समझाते हैं तो दो चीजें दोस्तों सिर्फ दो चीजें आपको करनी है एक सफल ऑन्ट्रप्रेनियर बनने के लिए पहली सीखना है बेचना हाउ टू सेल और दूसरा सीखना है बनाना हाउ टू बिल्ड लर्न टू बिल्ड लर्न टू सेल लर्न टू बिल्ड लर्न टू लर्न टू सेल अगर ये दो चीजें आपको आती हैं, बिल्ड करना आता है सेल करना आता है आप ऑनटोप्रोर बन गए बहुत ही सरल भाषा में एक बार मोदी जी ने कहा था कुछ नहीं है तो पकौड़े बनाओ ऐसा शायद <laughs> कहा था मैंने कहीं सुना अगर नहीं है तो दोस्तों ट्रोल मत कीजिएगा आ जाते हैं हाउ टू बिल्ड तो पकोड़े बनाओ पकोड़े बेचो ये एकदम बेसिक लेवल है कुछ भी नहीं आता रॉकेट बनाओ रॉकेट बेचो ये भी है Bang on, आप देखो ना चाय बेच बेच के पकोड़े सच पकौड़े बिलियन डॉलर ऑन एंटरप्राइज क्योंकि उसे बेचना भी आता था करेक्ट एक अलग लेवल पे जो शायद एक साधारण चाय वाला नहीं सोच करेक्ट 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 तो हाउ टू बिल्ड हाउ टू सेल

और बेचा दोनों चीजें की और कहां से कहां पहुंच गए सही बात है एंड वाई ओनली मोमोज मैं कह रहा हूं हर एक खाने की चीज पे एक पूरा एम्पायर खड़ा हो सकता है एक बिजनेस खड़ा हो सकता है है करेक्ट एंड इट्स नॉट अबाउट आपको बहुत बड़ा करना है, तो ही आपको करना है मैं कह रहा हूं अगर आपको एक छोटा भी बनना है कुछ भी करना कुछ भी करना है आपको एक नॉर्मल शॉप भी खोलनी है करेक्ट आपको यह समझ में आ गया कि मैं बेच सकता हूं आपको यह समझ में आ गया कि मैं क्या बेच सकता हूं मेरे पास प्रोडक्ट क्या है आप ऑन्टरप्रिन्यर बन गए तो अगर आपको सीखना है वहाँ से शुरू करते हैं जैसे हाउ टू बिल्ड हाउ टू सेल क्या है मैं बहुत कॉलेजेस में भी जाता हूँ बहुत uh, यंगस्टर्स से बात होती है और उनका एक सवाल रहता है सर शुरू कहाँ से करें तो हमने बता दिया शुरू करना है दो चीज़ों से सीखो बनाना सीखो बेच बेचना लेकिन आज मेरे पास लेट्स प्रोडक्ट नहीं है मैंने बिज़नेस लॉन्च नहीं किया क्या मैं उससे पहले भी सीख सकता हूँ

तो मुझे पहले एक्सपेरिमेंट करने हैं दूसरों के प्रोडक्ट को तो बेच के करेक्ट राइट करेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता आई कैन कैन बी बी सेल्स पर्सन करेक्ट करेक्ट राइट तो सकते सबसे पहले ये देखना है कि मैं सेल्स कर सकता हूं। hmm. बहुत बड़ी बात है hmm. आपने आधी जंग जीत ली है करेक्ट मैं मैं एक एग्जांपल दूंगा मैं, मैंने जब एकदम कॉलेज के बाद जब स्टार्ट किया था ना मेरे लाइफ में मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा पहलू था मैंने ना कुछ समय था मेरे पास दो तीन महीने तो इंश्योरेंस एजेंट तो किसी ने कोई किसी ने मेरे को कहा इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ कोटक लाइफ इंश्योरेंस में आई बीकेम एडवाइजर पहली अच्छी चीज़ जो हुई फ्री में पंद्रह दिन की ट्रेनिंग हुई मुझे लगा वहाँ सिर्फ इंश्योरेंस सिखाई जाएगी बट बढ़िया बात ये थी कि वहाँ पे ना मेजर फोकस था बेचना कैसे है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है रिबर्टल्स कैसे होने हैं ठीक है इत, मुझे तो समझ आया ये पूरी साइंस है बेचना और इंश्योरेंस बेचना बहुत डिफिकल्ट जॉब है हालांकि वो काम मैंने किया काफ़ी समय तक और मुझे मजा भी बहुत आया क्योंकि उससे हर कस्टमर एक नए प्रॉब्लम्स के साथ आता था नए ऑब्जेक्शन के साथ आता था क्योंकि किसी को खरीदना नहीं होता था बाई डिफॉल्ट इंश्योरेंस तो जितना सीखने को मिला तो प्रोडक्ट किसी और का था और सिखाया किसी और ने और उस वजह से वो स्किल सेट मेरी डेवलप हो गई एंड गेस करो मेरा पहला ऑनटरप्रीनरशिप वेंचर क्या हुआ होगा uh, और कब हुआ होगा बताएं इट वॉज इन क्लास इलेवेंथ

सो द डिफरेंस आपने पहले सेल्स करना शुरू किया Correct. मैंने पहले प्रोडक्ट पे फोकस किया और मैं हम ये एग्जांपल्स क्यों दे रहे हैं प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सेल्स किसी भी चीज की हो सकती है right. आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे तो पता ही नहीं है मैं कहां से नई चीज करेक्ट है खोजना इंपॉर्टेंट नहीं है आप कुछ भी बेचो हुँ. आप कुछ भी बनाओ इफ यू आर गुड एट इट एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक माइंड होता है जो हमें ब्लॉक करता है जब हम बहुत छोटे होते हैं ना जब कॉलेज में है कि हम बेचेंगे यानी हम पैसे की बात कर रहे हैं ये आप ओवरकम कर जाते हो I अगर इस तरह का yeah, yeah, yeah. hmm. थोड़े नीचे तरीके से अनफॉर्चुनेटली देखा जाता है आज भी hmm. आज भी हम उनको वो इज्जत नहीं देते हैं जो वो कमांड करते हैं एंड सेल्स इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब सेल्स पढ़ाई नहीं जा सकती सेल्स लर्न नहीं करी जा सकती सेल्स इज समथिंग जो मतलब आप 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 एक्सपीरियंस होते हो मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि प्रोडक्ट में आप बहुत अच्छे हो लेकिन सेल्स में अगर अच्छे और भी हो एक एग्जांपल है स्टीव जॉब्स। तो उन्होंने जो दुनिया बदल दी वो कैसे हुआ उनका प्रोडक्ट बनाने में वो वर्ल्ड क्लास और बेचने में वो मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं इतना परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है ना आपने लर्न टू बिल्ड एंड लर्न टू सेल का जब कॉम्बिनेशन मिलता है

बैड प्रोडक्ट फास्टर देन गुड मार्केटिंग अगर खराब प्रोडक्ट लेके जाओगे तो आई थिंक दोनों का एक बैलेंड अप्रोच आई इज कि अगर आपको सेल्स आती है और आप प्रोडक्ट नहीं भी बना पा रहे हो हुँ, हुँ, तब भी आप किसी का प्रोडक्ट बोरो करके पैसा बना सकते हो एब्सोल्युटली आई एग्री अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट आता है और आपको सेल्स नहीं आती है तब आपको को फाउंडर ढूंढना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा जो सेल्स कर सके सो देर इज नो रेस्क्यू फॉर गुड सेल्स सेल्स तो आपको दोस्तों करने ही है और सेल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से देखना ही है सेल्स का कोई रिस्पाइट नहीं है लेकिन एट द सेम टाइम एज यू राइटली एप्पल बनाना है नाम कमाना है कुछ प्रूफ करके दिखाना है देन देर हैजू बी अ प्रोडक्ट प्लस सेल्स का मिक्स करेक्ट करेक्ट तो दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर आपको एक प्रोडक्ट बना के बेचना है यानी आपको ऑन्टरप्रन बनना है तो डिफॉल्ट यही है प्रोडक्ट बना के बेचना अब प्रोडक्ट कौन बनाएगा कौन बेचेगा या तो दोनों काम आप कर सको तो आप ही कमा लो लेकिन दोनों काम आप नहीं कर सको तो फाइंड अ पर्सन विथ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स कभी भी फाउंडर इस हिसाब से मत चूज करें कि मुझे भी ये आता है उसे भी वो आता है मैं भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं मुझे भी कोडिंग आती है इसे भी कोडिंग आती है हम मिलकर अच्छा काम करेंगे ऐसा नहीं होता दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट चाहिए मुझे बेचना आता है इसे बनाना आता है किसी और को कुछ और करना आता है तब हम मिल कमाल करते हैं बैंग ऑन सो फर्स्ट स्टेप इज नो योर सेल्फ आप अपने आप को समझो जानो आपकी पहले क्या अप्रोच है पहले क्या क्षमता है उस पर आप बिल्ड करो

ये दोनों कर लो दोस्तों और बन जाओ ऑन्टरप्रेन्योर इंडिया की जर्नी अमेजिंग होने वाली है और उसके साथ आपकी भी होगी तो सीखना चालू करें लर्न टू बिल्ड लर्न टू सेल एंड से प्लीज डू गेट बैक टू अर्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने इनसे क्या सीखा आपने इसमें से किसी एक चीज को मिस कर रखे थे या शुरू किया या आपको ये मोटिवेट कर रहा है या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया प्लीज डू टेलर प्लीज डू शेयर योर वेबसाइट uh, एड्रेस अगर आपने कोई भी चीज़ इससे स्टार्ट की है तो वी वुड लव टू ऑर्डर योर प्रोडक्ट वी वुड लव टू सी कि आपने क्या किया कैसे उसको यूटिलाइज किया प्लीज डू शेयर इट विद अस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू